सर आपने बहुत थिएटर किया है, आपने भी जी थिएटर में तो मैंने देखा बड़े सारे इतनी चीजें अनप्लान्ड हो जाती हैं कभी कभी, जैसे आप इम्प्रोवाइज करते होंगे या कोई को आर्टिस्ट भूल गया ऐसे कई बार। एक बार बड़ा सीरियस सीन कर रहे थे हम, तो एक विंग से कुत्ता चलाया स्टेज पर, हाय रब्बा, ऐसे ही रैंडमली वो गेट सोफाया बाबा हॉल का खुला था, वो आया ऑडियंस की तरफ यूं झांका, हम एकदम हक्के बक्के रह गए थे, वो दूसरी एग्जिट से बाहर निकल गए। एक बार चाय वाला आ गया था सीन के बीच में, चाय कहता है सर चाय, ओ गॉड, सो वी जस्ट स्टॉप्ड, सब रुक गए, फिर उसको किसी ने बोला प्लीज बाहर जाओ, शो चल रहा है, ऑडियंस बैठी है यहाँ पे, उसको समझ नहीं आई कि ऑडियंस है, स्टेज है। एक सीन था जिसमें मैं किसी के साथ काम कर रहा था और मैं उसको हंसा रहा था, तो वो हंसने शुरू किया और उसका डेंचर्स निकल आया। तो अभी क्या करो, हंसते रहना, वो वापस रख दिया। एक मिनट, मेरे लिए नहीं, रॉकेट बॉयज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ए, कोई भी लाइटर वीटर मत जलाना आज, अरे रॉकेट बॉयज बैठे ले, भरोसा नहीं कौन सा बॉय उड़ जाए। खैर हाय, कैसे आप लोग? बिल्कुल। अरे सर रजित जी, नहीं नहीं, मैं आपको पैर छी बचपन से देखे लिए, मैं आपको बचपन से, अरे क्या बात है, आप उसमें DD1 पे आते थे ना, वो बमकेश बख्शी में, बमकेश, वो आप धोती पहन के साइकिल कैसे चलाते थे सर? कमल रही, अब मैं आंखें बंद करके भी धोती बांध सकता हूँ। अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट शो मैं बचपन में देखती थी, कितने साल हो गए ना सर, माय गॉड सर, पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने VCR से लेके RT-PCR तक का सफर तय किया है, कमल। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने सर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये सोनी क्या कंटेंट बना रहे हैं अर्चना जी, हेड्स ऑफ टू सोनीज कंटेंट। हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो शनिवार और रविवार 9:30 से 11 बजे तक देखो, कमाल का कंटेंट आता है कपिल शर्मा शो। और सर आप लोगों का कैसे आना हुआ? अरे प्रमोशन के लिए आया, हमारा शो भी सोनी लिप पर ही है। ऐसे नहीं सर, बुरा मत मानना, वो क्या है ना, आप लोग जो चीज लेकर आते हैं आप लोग उसका प्रमोशन करते हैं और हम लोग अपना प्रमोशन करते हैं, लेकिन मैं आप सब लोग की बहुत फैन हूँ, मैं आपको भी देखे ले। आप आते हैं ना, हजूर हजूर ऐसा बोलते हैं, हजूर हजूर हजूर। सर मेरे को ना आपको पूछने का था, ये आप सुबह को खुलते हैं कि शाम को खुलते हैं? ये क्या पूछ रही है? वो जिम है ना, मेरे को जिम ज्वाइन करने का था। सर मेरे को एक और चीज, मेरे को ना बॉलीवुड स्टार लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो मेरे को जरा बताएंगे आप, ये रणवीर सिंह जो है ये कौन सा साबुन इस्तेमाल करता है? उनको क्या पता। तूने पद्मावत नहीं देखी क्या? देखी है। अरे इन्होंने रणवीर सिंह को नहलाया है उसके अंदर। खैर इनका जो गाना था ना, वो बीते दिल, वो जिसमें नीला रहे हैं, हाँ, उस गाने में मैं भी थी। तू कहाँ थी, दिखी तो है नहीं। मैं टावल लेने गई थी ना। हाँ ऐसा, फिर हाय सर, यू अर्जुन ना? यस। मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। तो मत बता, मुझे देखा कर। नहीं नहीं, अगर मैं आपको जानती होती ना तो बताती मैं। लेकिन आपने तो मेरे को देखे लेना, बहुत बार, तो बोलो ना मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर, बैठो। नहीं नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, बहुत अच्छे। सपना आज तू बड़ी फालतू बातें क्यों कर रही है आज इतनी? फालतू बातें नहीं कप्पू, मैं तेरे को अंदर की बात बताऊं। क्या? ये सोनी टीवी वालों ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है, षड्यंत्र है बहुत बड़ा। क्यों? 14 साल से हम इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इनकी सीरीज पे सीरीज आती जा रही है, कभी तेरे को और मेरे को लिया इन लोगों ने सीरीज के अंदर। सोनी तुझे भी तो काम दे रहा है। मेरे को काम दे नहीं रहा है, मेरे से काम ले रहा है। कैसे? सर हमसे काम लिया है और काम सिर्फ एक ही जन को दिया है।
और उसके बदले में इनके बारे में क्या बताएं सर आपको, अभी हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यू होता है ना, इन्होंने अप्रेजल मांगा है, कहती है मेरा पैसा बढ़ाओ। क्यों? तो चैनल वाले बोले किस बात का पैसा बढ़ाओ बाबा, बोलती है मेहनत मेहनत देखो मेरी, खुद मेकअप करना, वैनिटी से खुद बाहर निकलना और 20 कदम चल के यहाँ पर आकर बैठना कोई छोटी बात नहीं होती। हम लोग एपिसोड का कंटेंट बनाते बनाते मर जाते हैं, थक जाते हैं। जब एपिसोड खत्म होता है ना, ये इधर थका हुआ खड़ा रहता है, मैं उधर थकी खड़ी रहती हूँ, ये बीच में आके सबके साथ फोटो वोटो खिंचा रही रहती है। हाँ, फोटो खिंचाती है, रील बनाती है और चली जाती है। और कमाल की बात ये है कि सोनी से पहले यही सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर देती है। वाह। और जब सोनी टीवी का मेन प्रोमो आता है, हाँ? कभी कमेंट बॉक्स में जाना, हाँ? नीचे लिखा रहता है ये तो हमने देख लिया है, कुछ नया दिखाओ हमें। सपना, क्यों आज फालतू की बातें कर रही है तू? रजीना कितनी दूर से आई है पता है हमारा शो पे? अरे नहीं नहीं, बहुत क्या सोच रही होंगी तेरे बारे में? अच्छा, वही सोच रही होंगी, बाकी सब नहीं सोच रहे होंगे। कमाल यार, कमाल। रजीना बहुत अच्छी लग रही है आप। थैंक यू सपना, वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आपको देखे ला है, आप तमिल और तेलुगु इन सब फिल्मों में भी काम किए ना? तमिल में ना देखते हैं आप? हाँ देखे ना, मैंने मैंने देखा है। कौन सी पिक्चर देखी आपने? ये तो फसाने वाली बात हो गई। मेन्यू बता इनको अपना, सच उनको फिर पता चलेगा मेन्यू क्या है तुम्हारा। हाँ, हमारा मेन्यू रहता है, हम लोग जब आते हैं ना, हमको सबको बोलने का रहता है, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमने ये सब देखे ला, ऐसा रहता है, क्या कर सकते हैं। मैं क्या बोल रही थी, आपने जो ये तमिल फिल्मों में काम किया है, मेरे को आप ये तमिल सिखा देंगे क्या? क्यों? हाँ। मेरे को ना मेदू बड़ा खाने का बहुत शौक है, इसीलिए। तो हिंदी में मांग लो, उसमें क्या है? अरे हिंदी में मांग लेगी तो फिर तमिल सीखने का क्या फायदा रे कप्पू? कमाल कर रही है। तू करने क्या आई इधर आज? एक्चुअली आप लोगों का ये OTT प्लेटफॉर्म खोले ला ना आप लोगों ने, हाँ, तो उसमें तो कोई काम दे नहीं रहा हमको, तो मैंने खुद का प्लेटफॉर्म खोले ला है। अच्छा। हाँ, मैंने छोटी प्लेटफॉर्म खोला है। छोटी। इसमें क्या है, अंडर 18 का सारा कंटेंट रहेगा। इसमें हम लोग छोटी छोटी बच्चों की फिल्में है ना, वो इसमें दिखाएंगे। अच्छा। और बड़ों के लिए 40T है हम लोगों के पास। तो सोच रहा रहेगा उसमें क्या होता रहेगा, उसमें क्या होता है, उसमें जो छोटी छोटी फिल्में है ना बच्चों की, ये दो दो करके हम लोग उसमें दिखाते हैं। ऐसा रहता है हम लोग। हो गया तेरा? हाँ हो गया। नहीं नहीं, मेरा मसाज पार्लर था, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। एक मसाज है रॉकेट बॉय मसाज। अरे वाह, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है वो भी मैं ही बताऊंगी, तो इतनी बड़ी सीरीज काहे को बनाई है इन लोगों ने। जोरदार तालियां हो जाए रॉकेट बॉय के लिए। फिर मैं चलती हूँ सर, ऑल द बेस्ट आपका सीरीज के लिए। बाय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.